नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावो। सीधी बात में आज बारी है लोक जनशक्ति के नेता रामविलास पासवान। रामविलास पासवान आजकल दिल्ली का दरबार छोड़कर बिहार पर कब्जा करने के लिए पटना में डेरा डाले हुए हैं। सोनिया से दोस्ती और लालू से दुश्मनी की नीति क्या रामविलास पासवान को अपनी मंजिल तक पहुंचा पाएगी या नहीं? आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर करते हैं रामविलास पासवान से ही सीधी बात। रामविलास जी, आपका बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, ऐसा लगता कई बार भ्रमण पर निकलता है आदमी, भ्रमण करने के बाद उठकर के कमरे में आके सोता है, सुबह जब उठता है तो सोचता है मैं कहाँ हूँ। आपको ये लगता है तो मैं कहाँ हूँ? नहीं, कुछ नहीं, हमको ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम इसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ रहे हैं इस चुनाव को जो है, इसलिए हमको कुछ नहीं। देखिए, किसी को जब उठते होंगे आपको लगता नहीं होगा कि मैं किस पार्टी में हूँ, किसका सपोर्ट कर रहा हूँ? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, क्या होगा, कोई कुछ नहीं। हमको कुछ, देखिए, जब वो ये उस आदमी को होता है जो आदमी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको ये करना है। हमारा एक ही मकसद है कि बिहार से जो ये सरकार जाए, ये सरकार जो है जिसके राज में अपहरण, हत्या, लूट, सारा का सारा चीज हो रहा है, भ्रष्टाचार, ये सरकार जाए। ये तो लालू की सरकार है जी, जिसके आप कह रहे हैं जिस सरकार में। ये लालू की सरकार नहीं है, राबड़ी की सरकार है। लालू भी तो उसके अध्यक्ष है ना कि नहीं है? पार्टी के अध्यक्ष। पर ये नहीं, लोग लालू जी कहते हैं, जो उनके विरोध, आपके जो विरोधी मुझे कहते हैं कि आप भी चोरों के सरदार हैं, आप भी मोबाइल लीडर हैं, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो पता चलेगा ना, तो क्यों इतना बुखलाए क्यों है? यदि रामविलास पासवान के पास में कुछ नहीं है तो रामविलास पासवान का हवा इतना बैठ क्यों गया उनके दिमाग में? सोते जागते रामविलास 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 क्यों चिल्लाते रहते हैं? दुख तो होता है ना कि मेरा, मैंने उनको सपोर्ट किया, आपको 8 सीटें दी उन्होंने, आपको 8 सीटें पार्लियामेंट में दी, कांग्रेस को 4 दी। पार्लियामेंट में हमको 8 सीटें उन्होंने दिया और उनकी पिछली बार उनको मिला था 7 सीट, अपने हार गए थे मधेपुरा से जहाँ यादव का गढ़ है, और इस बार जो है 22-23-24 सीट जीत गए। और चुनाव का समय जब आया था तो कहते थे रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम कहते थे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेगी। और इस बिहार में आपके जितने रिपोर्टर हैं पूछिए, हर जगह जाकर कहते थे रामविलास पासवान को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और जब चुनाव जीत कर गए तो हो गया, मतलब रेलवे मंत्री जाकर के अपना सो गए। पर आपको लगता है रामविलास जी कि आप लोग दोनों हैं, लालू हो या आप हो, हमें ये लगता है कि दोनों ही आप अवसरवादी हैं। किस सेंस में? आप देखो, लालू के साथ कैबिनेट में बैठ के साथ में बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के बाद जो बाबरी मस्जिद टूटी उसमें देश को दो कगार पर कर दिया। बाबरी मस्जिद वही तो हमने कहा ना, वही तो हमने कहा कि अटल जी के जब मंत्रिमंडल में हम गए तो आपको मालूम है 1989 में बीपी सिंह की भी सरकार बनी थी बीजेपी के समर्थन से, 1977 में भी सरकार बनी थी उसमें बीजेपी था, लालू और आप इकट्ठे थे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 1967 में भी सरकार बनी, लेकिन उस समय में मुसलमान के लिए, बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं था। मुसलमान बीजेपी जिनको समर्थन करता था उसको भी वोट देता था, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद ऐसा देश की परिस्थिति ऐसी बन गई कि जहाँ आप कहीं बीजेपी है और वहाँ आप सटिए तो आपको तुरंत मुसलमान समझता है कि हमारा विरोधी। 2000 में तो आप कैबिनेट बने उसी बीजेपी के। वही तो मैं कहा ना कि हमारी गलती थी कि जब 1999 में बिहार की जनता इतनी उकला गई है कि उस समय में बिहार की जनता इतना प्रेशराइज हमको किया कि नहीं पासवान जी, एक बार यहाँ से लालू सरकार, ये जो लालू प्रसाद यादव की सरकार जो कहते हैं राबड़ी देवी की सरकार, इसको हटाना है, और इसलिए हम गए एनडीए में। एनडीए में जब हम गए तो वो सरकार तो चली जाती, लेकिन राज्यसभा जब विधानसभा का चुनाव आया तो जनता दल यू में से समता पार्टी अलग हो गई। नहीं, ठीक बात है, आप हमेशा कांग्रेस समाजवादी रहे, सोशलिस्ट बैकग्राउंड आपकी है, आप एंटी कांग्रेस रहे हैं, और सोनिया गांधी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोला होगा आपने, पिछले रिकॉर्ड देखे जाए अगर आपके, आपने राजीव के खिलाफ क्या क्या बोला, सब रिकॉर्ड्स में है, तो सडनली आपका ये सोनिया प्रेम, ये राजीव प्रेम, कांग्रेस प्रेम कहाँ से आ गया? नहीं, वो इसलिए आ गया, पहले लालू प्रेम था, सोनिया प्रेम हो गया। जो हम लोगों ने जाकर के देखा, जो 8 साल की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की चली, और जिस तरीके से सारा का सारा चीज, 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेच डाली गई, बिहार में कारखाना एक था जो बरौनी का कारखाना था फर्टिलाइजर, वो बंद कर दिया गया, सिंदरी का कारखाना बंद कर दिया गया, और उसके बाद
जब गुजरात का जब गुजरात का दंगा हुआ तो गुजरात का जब दंगा हुआ तो हमको तो गुजरात से चुनाव नहीं लड़ना है, ये लड़े भी नहीं, असेंबली का भी चुनाव नहीं लड़े, एमपी का भी चुनाव नहीं लड़े, तो उसके बाद से हमको लगा कि ये सरकार के सामने में एक ही एजेंडा बच गया है, जो एजेंडा के तहत ये हिंदू मुसलमान का नारा लगा करके और देश को कमजोर करना चाहते हैं, हम हट गए। चलो, वो तो इस्तीफा दे दिया आपने वहां से, उसके बाद आप लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़े? लालू के साथ नहीं गए थे हम, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े, कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस के साथ गए। लालू ने आपको 8 सीटें छोड़ी आपके लिए? नहीं, हमारे लिए क्यों छोड़ेगा वो, उसको तो हम 12 सीट ले रहे थे, उसको जक मार करके उसको तो हम 12 सीट पर हार जाते तो उसको देना पड़ता है। कांग्रेस के साथ समानता क्या आपकी? नहीं नहीं, कांग्रेस के समानता इसलिए है कि बीजेपी ने जिस तरीके से देश में कॉम्युनल फीलिंग पिछले 8 साल में पैदा किया उसमें लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको उसको राज करने का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ जब दो बड़ी पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस पार्टी है तो फिर आपके पास में उतनी हैसियत तो है नहीं कि थर्ड फ्रंट के जितने भी थर्ड फ्रंट के लीडर थे आज सारे के सारे। पिछले सिद्धांत आप भूल गए जो आपने राजीव के बारे में कहा, सोनिया के बारे में कहा, देखिए वो सब आप सिद्धांत भूल गए। देखिए सिद्धांत, देखिए राजीव के बारे विषय में कहा ना, ये सिद्धांत की बात नहीं होती है। उस समय में कांग्रेस का एक छत्र राज था, दिल्ली में भी था, स्टेट में भी था। आज दिल्ली में एक पार्टी की सरकार बनती है, स्टेट में दूसरे पार्टी की सरकार बनती है, तो आज के समय में जो नेशनल पॉलिटिक्स है और जो स्टेट पॉलिटिक्स है वो दोनों में अंतर है। जैसे आज आप सपोज कर लीजिए लेफ्ट पार्टी है, आज लेफ्ट पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का समर्थन कर रही है, लेकिन कल जब चुनाव आएगा, असेंबली का चुनाव आएगा पश्चिम बंगाल में या त्रिपुरा में, तो क्या होता है वहाँ अलग अलग होता है। आप है नहीं ना, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ कि आप जब देखते हैं मौका जैसा देखते हैं उसका जुड़ जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो आपने बहुत बार किया। आपकी लालू से दुश्मनी क्या है? हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लालू प्रसाद यादव से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं और बिहार की जनता का फीलिंग आपको मालूम है। आप बता दीजिए कि बिहार की जनता लालू यादव को चाहती है? चुनाव का विश्लेषण तो करते भाषण दिया। देखिए मैंने बार बार कहा था, आपको याद है कि आपने ही कोट किया था, आज तक नहीं पहले कोट किया था कि जब अपने चुनाव के भाषण में हमसे हम भाषण दे रहे थे तो मैंने कहा कि देखो हम कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और बिहार की सरकार केंद्र की सरकार एक सर का घाव है एक पांव का घाव है, हम पहले सर का घाव का इलाज कर रहे हैं उसके बाद पांव का घाव का इलाज करेंगे, मैंने चुनाव के दरमियान कहा था। कमला जी आप कैसे जनता को बताएंगे कि मैं लालू के साथ कैबिनेट में बैठूंगा, केंद्र में उसका समर्थन भी दूंगा, बात भी करूंगा और यहां कभी कहूंगा वो लुटेरा है? देखिए 27 तारीख को जहां रिजल्ट, बिहार की जनता को कुछ नहीं चाहिए, बिहार की जनता को सत्ता परिवर्तन चाहिए और 27 तारीख को हो जाएगा और ये लोगों को विश्वास हो गया है कि रामविलास पासवान ही इस काम को कर सकते हैं। चूंकि देखिए एक बात समझ लीजिए, एक एग्जांपल हर देश का दे दीजिए जहां केंद्रीय दो मंत्री एक ही पर सरकार में रहते हुए एक दूसरे के ऊपर डंडा लेके खड़े हों, कोई सरकार बता दीजिए। हर सरकार का अवसरवादिता है? नहीं, हर सरकार में है। आज आप एनडीए की बात करते हैं, यहाँ एनडीए के नेता से पूछिए, जनता दल यू के नेता से रोज बीजेपी को गाली देते हैं। सरकार तो नहीं रहे उनकी, सरकार में बैठे तो नहीं ना। सरकार में थे तब भी नहीं, उनके खिलाफ तो चुनाव नहीं लड़े ना, इतना जितना आप लड़े थे। दिल्ली का चुनाव हुआ था, दिल्ली का असेंबली का चुनाव हुआ था, लड़े थे। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ बिहार के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में जब एनडीए की सरकार थी उस दिल्ली के चुनाव, दिल्ली का चुनाव हुआ था, बीजेपी अलग लड़ी थी, मार्कंडे चंद था। आपके बारे में तो है ना कि आप तो जहाँ जीत रहे हैं या हार रहे हैं जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी अपनी पार्टी है, हर की अपनी अपनी पार्टी है, तो पार्टी का चुनाव लड़ाना कौन आपका कंपल्सन है, जो बीजेपी के कारण सेंट्रल में एक साथ रहने का सबको कंपल्सन है कि हम, और हम वहां भी हम लालू यादव कहेगा दीन, उसके कारण तो हम रात कहना नहीं शुरू करेंगे। हम कांग्रेस क्या वहां लीडर है, मनमोहन सिंह लीडर है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बात तो आप मान लीजिए, उनका फैसला कर लीजिए, आप बोलिए मत एक दूसरे के खिलाफ, आपने बात मान ली। हमने मान लिया था, हमने कहा हम आज भी हम बिहार सरकार के खिलाफ में बोल रहे हैं, लालू यादव रेल मंत्री हम कुछ बोल रहे हैं? लालू को आप लुटेरा कह रहे हैं, करप्शन की सरकार कह रहे हैं, ये करप्ट सरकार है, वो तो मैंने पार्लियामेंट में भी कहा करप्ट सरकार है, तो करप्ट सरकार किसकी है? करप्ट सरकार राबड़ी की है, जिस पार्टी का सरकार अध्यक्ष जो है वो जाने वो करे ना, मनमोहन सिंह शरीफ आदमी और सोनिया गांधी आपका इनकी पार्टी है, दोनों शरीफ है। आपको लगता है अध्यक्ष जो जिस पार्टी का, लालू यादव है ठीक है? देखिए लालू यादव कैसे ठीक करेगा, जो आदमी जेल गया हुआ वो, आपने ये कहा ना कि मैंने लालू का क्रिटिसिज्म नहीं किया, लालू आपके हिसाब से ऑनेस्ट है, राबड़ी देवी करप्ट? एक आदमी का दो चेहरा है, एक आदमी जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो,
एक आदमी जिसकी सरकार बिहार में है, जो प्रतिदिन हत्या लूट सरकार कौन चलाता है बिहार की, पहले ये बताइए आपके साथ। नहीं हाँ, जो भी चला भी, लेकिन आप बताइए ना कौन चलाता है। राबड़ी देवी, राबड़ी देवी लालू कोई सरकार नहीं चला रहे। नहीं क्या लालू क्या चलाएगा इसका, लालू का कोई कसूर नहीं सरकार जी, गलत कसूर तो इसका है ही, तब तो जल गया। नहीं नहीं जेल तो क्या, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप राबड़ी देवी की सरकार जो है वो गलत है, भ्रष्टाचार राबड़ी की सरकार में है, लालू का कोई कसूर नहीं है। हम ये कहा कर रहे थे लालू का कसूर नहीं है, आपने कहा कि लालू सरकार क्यों चला रहा है। मैंने कहा कि टेक्निकलिटी के आधार पर देखेंगे तो आज के डेट में टेक्निकलिटी के आधार में राबड़ी की सरकार है, लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अलग बात है। आज लेकिन जो कुछ बिहार में हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार आप राबड़ी को मानेंगे या लालू को, लालू इसका सवाल मैं आपसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लोक जनशक्ति के नेता रामविलास पासवान से। रामविलास जी, आप कह रहे थे कि बिहार में जो कुछ है उसके लिए जिम्मेवार जो है राबड़ी देवी सरकार है, पर लालू है या नहीं, इसके बारे में आप थोड़ा नहीं सस्पेंस में। हमने आपने कहा कि टेक्निकलिटी के दृष्टिकोण से कौन है, तुमने कहा पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी किसकी, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी राबड़ी और लालू दोनों की है। मतलब लालू के खिलाफ भी वोट मांग रहे हैं ना आप। हाँ हाँ, तो लालू आपको लगता है कि लालू जो है एज ए रेलवे मिनिस्टर बड़े ऑनेस्ट हैं, अच्छी सरकार चला रहे हैं। मैंने आपने कहा हमसे कि रेलवे मिनिस्टर के संबंध में, मैंने कहा उस पर मैं कॉमेंट नहीं करूंगा। तो आपका लगता है रेलवे मिनिस्टर का रोल, नहीं हम कॉमेंट ही नहीं करेंगे फिर, क्योंकि आप क्यों फंसाना चाहते हैं हमको। नहीं फंसाने की बात नहीं करता मैं, आप तो ये पूछ रहा हूँ रेलवे मिनिस्टर लालू, रेलवे मिनिस्टर आप हमको फिर पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए। मैंने कहा दिया कि मैं उस संबंध में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जहाँ तक बिहार की सरकार है और जो बिहार की दुर्दशा है, आरजेडी जो है, जो आरजेडी की जो जिस आरजेडी की सरकार है, इसके लिए लालू राबड़ी दोनों जिम्मेवार हैं। और उसको उखाड़ फेंकना आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी है। आप कांग्रेस से मिलके, कांग्रेस आपके साथ है। हाँ बिल्कुल सर, मेरा गठबंधन है। आपको कांग्रेस के ऊपर भरोसा क्यों है? बहुत भरोसा है, इसलिए भरोसा की इसने कांग्रेस को भी धोखा दे दिया। कैसे दिया धोखा? धोखा दे दिया ने, अभी कांग्रेस को दे दिया लोकसभा में 4 सीट और अभी जो है सब जगह का गाली दे रहा है। ये कांग्रेस आपके ऊपर निर्भर करती थी सरकार उनकी, आपके पास 4 MP हैं, उसके पास 24 है। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी कांग्रेस के ऊपर भरोसा क्यों है आपको? कांग्रेस आपके चुनाव के बाद आपको डंप कर सकती है? नहीं, हम कांग्रेस क्या करेगी मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के बिहार में चुनाव लड़ रही है और दोनों मिलकर के सरकार बनाएंगे। मतलब आपको लगता है कांग्रेस को भरोसा है ना? बिल्कुल भरोसा है। तो उसके बाद आपको अगर आप किसका सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में या आपके नेतृत्व में? तो हमारा हट जाएगा, किसी के नेतृत्व में बने हमको कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस याद आएगी वो बनाएंगे आपको, कोई जरूरी नहीं है हमको। देखिए इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि रामविलास पासवान मुख्यमंत्री बने, और मैंने इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत रिलैक्स हूँ। नहीं, आप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं कि नहीं है? मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूँ भी नहीं भी हूँ। नहीं, अगर आपको ऑफर किया गया तो एक्सेप्ट करेंगे? मैं देखूंगा, मैं सोचूंगा। आप कौन? मैंने कह दिया कि हमारे लिए मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद नहीं है। मैं आप लालू का चार्ज आपके खिलाफ ठीक है, आप सत्ता में केंद्र में भी रहने जाते हैं, प्रदेश में भी रहने जाते हैं। वो तो देखिए केंद्र में कोई लालू का सत्ता है क्या? आप कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को बनाएंगे कि नहीं? किसी को बना सकते हैं, पर किसकी आपको लगता है अगर सपोर्ट दोनों की नहीं हुई आपकी मेजोरिटी कांग्रेस की? और आप देखते तो ये नहीं, मैं आपसे नहीं, यदि हमारी सपोर्ट देखिए, यदि आपकी सपोर्ट से आरजेडी का चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, 7 जन्म में नहीं, 7 जन्म में नहीं। और आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इस बारे में बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं? देखिए मुख्यमंत्री हम तभी बनेंगे जब हमारा बहुमत आएगा दोनों का मिला के। यस, आपको अपना तो आ नहीं सकता ना, आप लड़ी नहीं रहती थी। हम 162 सीट लड़े, 162 में 40 जीतेंगे आप? क्यों नहीं जीतेंगे? आपको अपना भरोसा, कांग्रेस को डंप कर देंगे उसके बाद? हम कांग्रेस को डंप करेंगे, हम तो जब कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री, आप जब कह रहे हैं मेजोरिटी हमारी आएगी उसमें कांग्रेस और लोजपा की मिलकर आएगी ना? हाँ, कांग्रेस तब आप मुख्यमंत्री बनने का सोच सकते हैं? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री मैंने कह दिया कि मेरा मुख्यमंत्री बनना अंतिम लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि ये सरकार बिहार से जाए, और उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हमको बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस की सीटें आपसे कम होगी तब भी आप उनको बना, तब भी बनाएंगे, और उसमें आरजेडी, लेकिन उसमें हम जरूर एक चाहेंगे कि जिसका भी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस का भी बने, माइनॉरिटी होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, कांग्रेस का मुस्लिम होना चाहिए। अगर आपकी मेजोरिटी आई तो आप बन सकते? हमारा भी होगा तो हम भी कोशिश कर, हमने मैंने कहा कि वो पत्ता मैं अभी खोलूंगा नहीं। मतलब कांग्रेस का केवल मुस्लिम एक्सेप्ट करेंगे आप? जी, कांग्रेस का अगर होगा केवल हम चाहेंगे कि कांग्रेस के तरफ से यदि जो मुख्यमंत्री हो वो मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए। पर आप आरजेडी की सपोर्ट तो होगी उसके अंदर? आरजेडी यदि सपोर्ट करेगी तो रामविलास पासवान आरजेडी के सपोर्ट पर या बीजेपी के सपोर्ट पर
कांग्रेस को अगर आरजेडी सपोर्ट करेंगे तब क्या होगा? नहीं, हम नहीं जानते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं आपको कि रामविलास पासवान, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है कि अगर किसी गवर्नमेंट को आरजेडी की सपोर्ट होगी, रामविलास पासवान और कांग्रेस मिलकर मेजोरिटी नहीं है। अच्छा, आप यह कहते हैं मतलब आरजेडी पहले जाए? नहीं, आप कहना चाहते हैं कि लालू यादव, हम तो कह रहे हैं पहले लालू यादव जाए। नहीं, लालू यादव किस, आप तो फिर बाद में कहेंगे सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे को सरकार बनानी, क्या करें आप आला बदलने में कह रहे हैं। मैंने कह दिया है आपको कि आरजेडी या बीजेपी इन दोनों के साथ में कोई हमारा संबंध नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो बाहर से भी नहीं रहेगा, अंदर से भी नहीं रहेगा, अंदर से भी नहीं रहेगा, बाहर से भी नहीं रहेगा, बाहर से भी नहीं रहेगा। आउटसाइड सपोर्ट आप आरजेडी के लेके सरकार नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, और ना उनको आउटसाइड सपोर्ट देंगे, ना देंगे। जेडीयू के साथ जो वही वही है, जेडीयू के बीजेपी की बात नहीं, जेडीयू अभी बीजेपी के साथ में है। जेडीयू छोड़ के अगर आपको सपोर्ट करें, अगर कैसे क्या करते हैं आप, अगर आपको जानकारी है कि वो छोड़ेंगे? मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको जेडीयू अगर की बात, हम अभी जवाब कैसे देंगे? नहीं, आप बीजेपी के संदर्भ, अभी के संदर्भ में हमको मालूम है कि एनडीए एक है, जॉर्ज फर्नांडिस उसके कन्वेनर है, एनडीए के साथ में जेडीयू है। जेडीयू बीजेपी छोड़ के अगर आ जाए तो आप तैयार है? तब हम सोचेंगे, उस समय में सोचेंगे, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर एक बात बताइए, लालू का कहना ये कि आप और दोनों में फर्क नहीं है, आपने भी उतने सारे क्रिमिनल खड़े कर रखे हैं जितने उन्होंने किए, तो क्या आपके सारे डॉन हैं, टीचर हैं, जो पेपर लीक में कोई पकड़ा गया उसको आपने टिकट दे दी, जैसे वो कहता है डकैतों की पार्टी आपकी है हमारी। देखिए, हमारे पास में तो गिनती करा सकते हैं चार गो, उनके यहाँ तो शरीफ कौन है उनको गिनती कराना पड़ेगा। कंपटीशन नंबर्स का है कि आपके क्रिमिनल कम है, नहीं है। मैंने साफ कह दिया कि यहाँ जो सत्ता के खिलाफ में रहता है, आरजेडी के खिलाफ में जो जाएगा वो क्रिमिनल करार कर दिया जाता है। कल तक इनके साथ में वो जो समाजवादी पार्टी में जो है दद्दर पहलवान, इनके मंत्री थे, वो हट गए तो क्रिमिनल बना दिया। हमारे पास में थे पप्पू यादव, तो कहता था क्रिमिनल है, रामविलास पासवान क्रिमिनल के सरदार हैं, और राजन तिवारी, रंजीत डॉन, ये सब क्रिमिनल बना दिए गए हैं। नहीं, ये क्रिमिनल बना दिए गए हैं, वैसे शरीफ आदमी है। नहीं, शरीफ आदमी थे, बदमाश हो गए। नहीं, बदमाश थे कि उन्होंने बदमाश बना दिया। रामविलास पासवान इन लोगों को पॉलिटिकलाइज कर रहा है, बात कर रहे हैं, क्रिमिनल इसलिए बन गए क्योंकि वो जाती है। दोनों चपल दीजिए, मैंने बार बार कहा है कि हम बाघ के सामने में बकरी को नहीं बांध सकते हैं। आपकी राजनीति ये कि क्रिमिनल के खिलाफ क्रिमिनल खड़ा करेंगे? नहीं, क्रिमिनल के खिलाफ हमें क्रिमिनल मानता ही नहीं हूँ। ये हमारे लोगों के घर पर छापामारी कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि बाकी आगे बकरी से खड़ा कर दूंगा। मिलिटेंट का मतलब कोई क्रिमिनल थोड़े होता है। इन्होंने छापामारी करवाया, इन्होंने हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि 3000 जो अपहरण रोज अपहरण हो रहे हैं, लालू यादव को तो कहे किसलिए का अपहरण में लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ है। बिहार को खतरा किससे? आपके साथ जो क्रिमिनल उनसे या लालू यादव? हमारे पास में कोई क्रिमिनल है ही नहीं, सबको मालूम है। देखिए, गंगोत्री यदि साफ रहेगा तो गंगा का पानी साफ रहेगा, गंगोत्री यदि गंदा हो जाए तो गंगा का पानी कभी साफ नहीं रह सकता है। तो कोई नदी बिहार में है जो साफ है? बिल्कुल साफ है, लोक जनशक्ति पार्टी गंगोत्री है, एकदम बिल्कुल क्लीन है। तो आपने कहा कि सरकार बनेगी हमारी, जो सरकार केंद्रीय, जो लालू जी अगर हार गए, जिसको आप सोचते हैं कि हार जाएंगे, तो आपको लगता है केंद्र में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, लालू के साथ फिर वहीं बैठेंगे आप? नहीं, केंद्र में क्या परिवर्तन होगा? आप लालू यादव को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? 24 MP से क्या हो गया? आपके 24 अगले पता नहीं किस इलेक्शन में आएंगे, क्या हो गया? 24 MP से क्या हो जाता है? सरकार गिर जाती है उसके बाद। कौन सरकार गिर गई? हिम्मत इनकी है सरकार गिराने का? तो सरकार गिरा के कहाँ जाएंगे? बीजेपी के साथ ऑपोजिशन बैठ सकते हैं? कहाँ है पोजिशन? ऑपोजिशन बैठेगा। और सरकार जो कल चुनाव हो जाएगा तो 24 के बदले में 4 है, वो तो कहेंगे जी हमने सरकार गिरा दी, या कोई बहाना तो ढूंढ लेंगे। जैसे आप ढूंढ रहे हैं, आपका बहाना है ना, लालू यादव करप्ट है, ये है। मैं आज आपको कह देता हूँ, अच्छा इनको मंत्रिमंडल नहीं दिया गया, मांग रहे थे होम मिनिस्टर, मांग रहे थे डिफेंस मिनिस्टर, मांग रहे थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नहीं दिया गया तो क्या सरकार गिरा दिया क्या? ये 27 फरवरी के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो मैं इस मान के चलूं कि लालू यादव और रामविलास पासवान साउथ ब्लॉक में एक ही कैबिनेट की टेबल में फिर से बैठेंगे हाथ मिला के। देखिए, साउथ ब्लॉक में बैठेंगे कौन कौन लोग, एक अन्ना मार्ग में बैठेंगे, वो तो 27 के बाद देखा जाएगा। नहीं, आप तो वहां से छोड़ेंगे सरकार, तो आपके केंद्र के तो असर पड़ेगा नहीं आपके में।
केंद्र में क्या असर पड़ेगा, बिहार में तो असर पड़ने वाला है ना। हाँ, बिहार में अगर आपका मुख्यमंत्री बन गया पर वहाँ मंत्री तो लालू जी रहेंगे, चल हटा देंगे उनको। वो देखिएगा, देखते रहिए ना, भविष्य की बात को भविष्य में रहने दीजिए ना। नहीं, आपको क्या लगता है कि आप सरकार में होंगे केंद्र में या होंगे, ये भी हो सकता है? दोनों में फेंक रहे, दो एक तलवार में दो मैंने नहीं रहेंगी। नहीं रहेंगे तो देख दो, आप 27 की बात अभी क्यों कर रहे हैं? जब आपकी आप हटा रहे हैं किसी को यहाँ पर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ चुनाव के बाद रामविलास पासवान लालू एक कैबिनेट में बैठेंगे कि नहीं, अब देख लीजिए क्या होगा 27 के बाद। चलो, मैं 27 के बाद फिर आपसे पूछूंगा, आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत तो ये थी आज की मुलाकात, सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की, इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।